हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम। कैसे आप सब? सब बढ़िया हो? तो अभी उठ चुके हैं, मॉर्निंग के बज रहे हैं 7:15। और इससे भी करो राम राम। राम राम जी सभी को। तो ये आप क्या कर रहे हैं अभी? पोछा लगा, पोछा लगा रहे हैं। और इधर बाहर वाइपर चल रहा है, पोछा लग चुका है, ये देख सकते हैं। हाँ, पोछा तो अंदर लग चुका है। और बाहर का माहौल ऐसा है मॉर्निंग के टाइम का, टंकी में पानी भर रहे हैं अभी। 5:30 बजे तो बिल्कुल अंधेरा था। और ये लोग जाते हैं मॉर्निंग वॉक पे, हमारे इधर ही ये जो गली दिख रही है। तो इधर गुड्डू को तैयार किया जा रहा है। गुड्डू राम राम, इधर देखिए करो। राम राम गुड्डू। हाँ भाई, राम राम। राम राम जी। और मम्मी से भी करो राम राम। राम राम जी। राम राम सबको राम राम। तो मम्मी मम्मी जा रहे हैं भोले शंकर के दीपक लगाने। और ये देखो मेरे पीछे से डुक्की मार दी गाइस, क्या ही बोला जाए। और इधर बर्तन साफ होने लायक है। चोरी ने उठाओ स्कूल भी ऐसे बोल रही है, देख सकते हो। ये लेट उठी आज, तो इसका भी इल्जाम मेरे ऊपर ही है। क्या करूं मैं, नहीं क्या करूं मैं, मेरे ऊपर इल्जाम। हाँ क्या करूं, हर इल्जाम मेरे ऊपर ही आता है। और मम्मी बोल रही कि नार प्रसाद ले रहा है, फिर खोटीन खाली कर, फिर मम्मी व्लॉग एडिट कर लीमा को। तो गाइस अभी आरू कर रही है बर्तन साफ। तो ये वाली जो हमारी डेक्ची बोलते हैं इसे, ये ऊपर ही साफ होती है, लेकिन इसको कल नीचे लेके आ गए, तो इस वजह से इसको यहाँ पे साफ करना बहुत भारी काम होता है इसका। और यहाँ पे हमारी सब्जी वगैरह रखी हुई है, हरी सब्जी देख सकते हो आप कितनी प्यारी लग रही है भैया की तरफ से, नेगड़िया से। इस गुड्डू को छोड़ने आज उसकी मम्मा जा रही है, देख सकते हैं आप। हेलो गुड्डू, जा रहे हो स्कूल? मजा आ रहा है? शाबाश, चलो जाओ। बाय बाय। हमें बाजार में कुछ काम है तो हम अलग जाएंगे, ये लोग स्कूल जा रहे हैं, तो चलो बाय बाय। ठीक है गुड्डा, मैं लेने आ जाऊंगा फिर, है ना। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है, बच चुके हैं 10, और भी पार्सल भी पैक करने। तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि दुकान बंद कर दी, गाइस दुकान कुछ नहीं बंद की हमने। और अभी दिखाता हूँ आप लोगों को मैं शॉप। और आरूपी गुड्डू को छोड़ के आ चुकी है, अभी वीडियो बनाने के लिए तैयार हो चुकी, आ जाओ। बिल्कुल। तो ये है हमारी शॉप, देख सकते हो। आप बोल रहे थे कि दुकान बंद कर दी, क्या? नहीं गाइस, ये देखो इधर ब्लाउज वगैरह सब है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इधर की साइड में साड़ी भी जमी हुई है, जो भी नीचे चीज आती है वो आईडी में डल जाती है, आरती आकाश 07 आरती कलेक्शन। तो गाइस आप लोग विजिट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी देता हूँ मैं शॉप आईडी के नाम से, तो आप लोग उसके अंदर जाके ऑर्डर कर सकते हो। आपको एड्रेस देना होता है और ऑनलाइन पेमेंट करना होता है बस। तो गाइस अभी पार्सल पैक हो रहे हैं, तो आरू भी आ चुकी है, देख सकते हो आप इधर। तो दो पार्सल पैक कर दिए, बाकी अभी पैक कर रहे हैं कंटिन्यू। पॉलीथीन में एड्रेस लगे हुए हैं, और ये जो भी ब्लाउज हैं इसके अंदर पैक होंगे, एक ओढ़नी भी है। तो जिसको भी ऑर्डर करना है, डिस्क्रिप्शन में आईडी का लिंक है, जल्दी से जाओ ऑर्डर करो, जल्दी से जाओ ऑर्डर। कलेक्शन है बहुत ही प्यारा, देख सकते हो ये मैंने वेयर कर रखा है। देखो ब्लाउज भी अच्छा लगता है, सब कलर अवेलेबल है, सब कलर है। तो जिसको ऑर्डर करना है इंस्टाग्राम पे मैसेज करो आरती आकाश 07 पे, शॉप वाला अकाउंट है आरती कलेक्शन, आरती कलेक्शन जिसपे 272,000 फॉलोअर्स है गाइस। तो आप जाओ मैसेज करो। चलो हम इनको पैक कर लेते हैं, फिर इनके नाम भी आपको ब्लॉग में बता देंगे। इनके पार्सल लगे उनके नाम बता रही आरू। लोकेश जी है नू से, इनके 5 ब्लाउज ऑर्डर हुए, 5 ब्लाउज ऑर्डर हुए। और संदीप जी है जौनपुर से, जौनपुर से है गाइस, सॉरी इनके 2 ब्लाउज ऑर्डर हुए हैं। रेखा जी इंदौर से, इनके 2 ब्लाउज ऑर्डर हुए हैं। जया जी है न्यू दिल्ली से, इनके 1 ब्लाउज ऑर्डर हुआ है। और ये हैं उर्मिला जी अहमदाबाद से, इनके 1 ऑर्डर हुई है। और ये 2 सरोज जी है थाने से, इनके 1 ब्लाउज ऑर्डर हुआ है। और सुप्रिया जी है रायपुर से, इनके 1 ब्लाउज ऑर्डर हुआ है। और आपको भी चाहिए तो ऑर्डर करें, हमारे इंस्टा पे आईडी पे मैसेज करें और जल्दी जल्दी ऑर्डर करें। समर कलेक्शन है, बहुत ही प्यारा कम्फर्टेबल ब्लाउज है, अपन डेली वेयर कर सकते हैं, इसको पहन के सो सकते हैं आराम से, रिलैक्स है। और ये न्यू, ये है ब्लाउज, और इनमें कलर है ये जो आरुण ने पहन रखा है उनमें, ये ब्लू कलर है, ये गोल्डन कलर है, ये ग्रे कलर है, ग्रीन कलर, मेरून कलर पिंक कलर है, रेड कलर है, ब्लैक कलर, ग्रे कलर है, बहुत ही प्यारे, मतलब सो भी सकते, इतने कम्फर्टेबल ब्लाउज है, सारे स्ट्रेचेबल है।
कैटलॉग इसका। हाँ तो बहुत प्यारे प्यारे ब्लाउज है। तो ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आईडी दी हुई है, तो उस पे मैसेज करें और आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, उसके बाद आपका पार्सल आपके एड्रेस पे पहुंच जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा जिसको लेना है वो मैसेज करें, बिल्कुल जल्दी हम आपको बता देंगे और भी डिटेल वहाँ पे। तो गाइस आज आ चुके हैं हम गांव विजयगढ़। आज हम आए गेहूँ निकलाने के लिए और गेहूँ को इकट्ठा करने के लिए। तो धनराज भी है हमारे साथ। हेलो, क्या यार क्या लुक लग रहा है यार, ये मेरी बेटी। हेलो, क्यों गुस्सा हो रही हो आप? तो मेरे ब्लॉग में आ गई रूपाली सी, ऐसे करो हाय। पता नहीं किस चीज का गुस्सा आ रहा है। एक्सरसाइज करके दिखा, शाबाश शाबाश। कर सूर्य नमस्कार कर। अरे हमारी छोटी सी गुड़िया नानी प्यारी सी बाबू जी, इससे इसके पास रो रही है पता नहीं क्यों। आज ये चुप हो गई, गोद में चुप हो गई है। और पियो कैसी है? और कसी? और ये हमारी दीदी स्कूल जाके आ गए। तो गर्मी कितनी है? बहुत सारी। ले लड्डू एक एक्सरसाइज करके दिखा दे यार प्लीज। राम 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 राम, वेरी गुड, राधे राधे मेरा बेटा। हाँ आप करेगी एक्सरसाइज लड्डू, पुशअप्स करो, शाबाश शाबाश। अरे वाह यार, अरे वाह यार, शाबाश। खड़ी तो पाती। अरे वाह यार, अरे लड्डू तो एक्सरसाइज करे थे। तो गाइस देख सकते हो अभी हम लोग आ चुके हैं खेत में, और इधर देखो तो ये गेहूं को जमा रहे हैं। और कुछ लोग बोल रहे थे रील के अंदर की दिखावा कर रहे हैं हम लोग। सही बात है, कोई बात नहीं, आप दिखावे के लिए किसी की हेल्प कर दो। ये मेरी मम्मी रही नहीं जी, थे वीडियो बना मिले जी के अंदर का चारू दिखावा कर रही थी। तो अभी जमा लेते हैं, बहुत तेज तगड़ी वाली गर्मी है। ये तो क्या मुंह बांध रखा है, इस वजह से दिख नहीं रहा। बाकी धनराज देख लो, मम्मी को देख लो, आरू को देख लो, बहुत तगड़ी वाली गर्मी है। ये जा रहा धनराज भाई, तो चलते हैं हम। ये क्या है कि डंडे जो हैं इनके ऊपर जमाने से क्या है कि जल्दी काम हो जाता है, ज़्यादा एक साथ चले जाते हैं ये, एक साथ जितने गेहूँ चले जाते हैं। और धनराज भाई इसको देखो कितनी गर्मी लग रही है। हाँ शाबाश, चलो जमाते हैं इसके ऊपर, फिर यहाँ से उठाएंगे फिर उधर लेके जाएंगे। उधर का कुछ दृश्य इस प्रकार का है, देख सकते हो आप। मम्मी, बड़ी मम्मी, आरू, राहुल और इधर धनराज, इधर हमारी पीहू जमाले, और ये बोल रहा है कि जमाले जमाले सब। तो गाइस अभी देखो हालत गंभीर हो चुकी है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। और इनकी तरफ थोड़े बहुत गेहूं रह रहे हैं अभी तक भी, देख सकते हो आप। इधर हम चल रहे हैं इनकी तरफ, क्योंकि हमारी तरफ का मामला बिल्कुल क्लियर हो चुका है, देख सकते हो आप। और इधर मम्मा और बड़ी मम्मी है इनके पीछे, और इधर राहुल थक चुका है पसीना, देख सकते हो आप। इधर हमारी पीयू थक चुकी है, धनराज भाई थक चुका है, कुछ ज्यादा ही थका हुआ लग रहा है। और मेरे को भी देख लो गाइस, पसीना बहुत तगड़ा है, जो था मुंह पे बांध रखे थे। चल और पानी पी लेते हैं अभी, मैं भी पी लेता हूँ पानी। तो गाइस बस ये लास्ट रह गए हमारे और इनका जमाते हुए, तो पूरा कंप्लीट हो चुका है काम। और तो सब लोग पानी वगैरह पी रहे, बहुत तकड़ा वाला पसीना हो गया भाई। तो गाइस कुछ इस प्रकार की हालत हो चुकी है हमारी। इधर आ रहा तो जा रहे हैं हम घर की ओर। इधर ये लोग जा रहे हैं डंडे वगैरह लेके, और राहुल पानी की बोतल लेके जा रहा माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीते। पहले राहुल खुद नहीं आ रहा था क्योंकि इसका शरीर साथ नहीं दे रहा था, लेकिन फिर माउंटेन ड्यू पी के लेके आए। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं हमारी भाभी जी के खेत पे, और इधर देखो आम का पेड़ कितना प्यारा लग रहा है, ये देख सकते हो वाइड एंगल से। और इधर आरू बोर, अरे पीहू बेर कर, ये देखो इधर जन्मा के पास हम बोर खेते, ये देखो बॉडी भी लाग रही है। और अब जा रहे हैं डिब्बू भाभी का खेत पर, और कुछ इस प्रकार को जमा की भाभी जी को खेत।
और थोड़ा सा गेहूं रे रहा है खूना के अंदर तो वन इकट्ठा करा देवा क्योंकि अकेला लाग रहा है भैया जी को न बनो तो चल आ जा और कराऊ जे जमा 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 ले जा। तो गाइस जम चुके हैं गेहूं फाइनली देखो क्लियर हो गया मामला 10 मिनट 5 मिनट के अंदर बस इनको जमाना बाकी है। ये वाले इधर भाभी जी के गेहूं हैं और अपने उधर की साइड में थे वो दिख रहे होंगे यहाँ से देखो जूम कर लिया मैंने। और आरू कैसा फील हो रहा है मस्त अभी तो गिर जाता मैं यहाँ से। तो अभी जम चुके हैं गेहूं ये देखो भाभी जी की कंडीशन चलते हैं अब बोर खाने के लिए देख रहे हैं बॉडी के कितने के बोर आने। तो गाइस चल रहे हैं कुएं पे पास में कुआ देखो यूँ कतरा मस्त हो रही है आम आम एकदम मस्त है क्योंकि फुल पानी पीता है यहाँ पे मस्त क्योंकि यहीं पे कुआ है हाँ बोर का ये एरिया ना ये सामने दिख रही छोटी सी देख सकते दिखाता हूँ मैं आपको ये वहाँ का बॉडी है जी मैं थोड़ा बहुत बोर आ रहा है जी ये देखो शानदार शानदार बोर आ रहे देखो दिख रहे हैं आप लोगों को अरे लाल सब आ रहे ये देखो आम कितना प्यारा हो रहा है बिल्कुल हरा भरा इस साल केरी ना ते काट दिया था इन्हें चल रहे हैं घर की ओर चले। यहाँ पे देखो लहसुन या प्याज वगैरह है इसमें और इधर ये क्या है ज्वार ये ज्वार है गाइस ज्वार अभी तो पेट के लग जाते हैं बम्बूल बूढ़ियो जिनमा गाँव में बूढ़ियो कहते हैं बस चलो दरवाजो बहुत जोर है जमा के देखो इसको काट दिया गया यहाँ पे क्योंकि ये बहुत ज्यादा कांटे वाला था यो वही लहसुन है ये लहसुन है अभी इधर की साइड में आ चुके हैं इसके बहुत सारे बोर आ रहे हैं देखो ऊपर की साइड में दिख नहीं रहे होंगे इसके अंदर क्योंकि इधर से बाकी अभी देखो इस जगह पे देख सकते हो कितने सारे नीचे गिरा दिए हम लोगों ने ये देखो गाइस इधर की साइड में है हमारा कुआ ये देखो पानी ही पानी रोहित निकाल रहा है छोटा भाई ये या गीमा की बाल्टी यह देखो फुल जूम आराम ये इधर से देख रही है तो इधर ये लोग बोर खाने में बिजी हो रहे हैं इधर पहुंच गए हैं हमारी छोटी लड्डू बेटी देखो अभी स्माइल कर रही थी और इधर मम्मी इधर आरू सब लोग थक चुके हैं ये दोनों तो हमारे खेत के अंदर ही खेत के अंदर काम करवा के आ चुके थे घर पे। तो गाइस सभी घर पे पहुंच चुके हैं इधर भी यही काम बचा हुआ है हमारा तो इधर भी लग चुके हैं हम लोग ये राहुल बहुत लेट आया सब लोगों ने इतना तो काम कर दिया और बस उधर का रह रहा है राहुल राहुल ने काम करवाया तो राहुल के 6 GB का रिचार्ज एक्स्ट्रा किया जाएगा वो भी लेदर की बाटा की दुआ दे राहुल घूमड़ी वाली हाँ ये हमारे देखो श्रीमान दादा जी दादा गुरु चलो मैं काम कर लेता हूँ भी वरना ये लोग कुछ भी कह सकते हैं मुझे इसलिए मैं आ गया इधर। तो गाइस जब निकल रहे हैं हम देवली के लिए अभी शाम का टाइम हो चुका है तो आज तो मशीन आ नहीं रही गेहूं निकालने वाली कल आएगी और ये लड़कियाँ जा रही है हमारे खाना खाने आज हमारे बेरू जी महाराज की रसोई है या आशा दीदी भी जा रही है और आरू आ रही है अभी शूज वगैरह पहन के ये देखो फिर चलते हैं देवली मिलेंगे आप लोगों से। ठीक है भाभी जी बोल रही है कि आप लोग भी जाओ बेरू जी की रसोई में लेकिन अभी हम देवली निकल रहे हैं फिर आएंगे हम कल चला चलो भाभी जी ने फ्रिज ले लिया नया कहीं रोटी ठीक है तू क्यों नहीं जा रही जिम ये देखो नया दो नहीं इसलिए जिम नहीं जा रहा बाकी नया दो लग रहा है तू। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं देवली तो वहाँ पे क्या है कि मशीन भी नहीं आती तो इस वजह से निकलना पड़ा था आप लोगों को बताया मैंने वैसे ही और अभी तैयार हो रहे हैं हम लोग और अभी जाने वाले हैं हम सिद्धार्थ भैया की तरफ थोड़ी देर उधर जाके आएंगे फिर वापस आते हैं चलते हैं गाइस नाच गाना आप लोगों को भी दिखाते हैं आज का भी। तो गाइस आते ही डांस वगैरह चल चुका है इधर देख सकते हैं अभी हमारी छवि डांस कर रही है अकेली
डीजे बंद हो गया। आप लोगों के सामने एक और परफॉर्मेंस डाल दे, जिसमें आइस क्यूब भी निकाल दे, थोड़ी और डाल दे, फ्रिज में आइस क्यूब भी कर लो, कुछ ना भी कर लो, हम बड़े तेज हैं, हम मुझे ना एक दाए आज मम्मी जी डांस कर रहे हैं। देखो और सॉरी का देख रहे आराम से, इधर देखो डांस नेसा का और जीजा जी का। भाई साहब डांस करने वाले हैं। तो गाइस आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना, और जो चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।